हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वी टू नॉलेज। मेरा नाम है अर्शीन और आज हम बात करेंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग का दूसरा टॉपिक जिसका नाम है मोटिवेशन, जिसमें हम इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की भी बात करेंगे। फिर टाइप्स ऑफ मोटिव्स हो गया, मोटिवेशन थ्योरी हो जाएगी जिसमें हम बात करेंगे ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, अराउजल थ्योरी एंड इंसेंटिव थ्योरी। सो मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो के एंड तक ही सारी टॉपिक्स मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूँ विद एग्जाम्पल्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, मोटिवेशन की डेफिनेशन पे बात करते हैं सबसे पहले। सो ये क्या है? मोटिवेशन इज़ द रीज़न, ये एक रीज़न है जो भी हम कुछ काम करते हैं वो हमें मोटिवेशन जो है वो हमें पुश करता है करने को, हमें मजबूर करता है। मतलब हमारे माइंड में कुछ आया और वो हमें करना है। क्यों करना है? क्योंकि उसकी हमें नीड है। अगर हम खाना भी खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हमें भूख लगी है, हमारी बायोलॉजिकल नीड है, तभी हम उठ के खाने तक जा रहे हैं। प्यास लगी है तो सेम यही मेथड होगा। अब जैसे हमें पढ़ना है, क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि हमें एग्ज़ाम में अच्छे ग्रेड्स चाहिए, तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। अब इसी तरह से हम अपने आप को खुश रखना चाह रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ जो कि हमें एक्साइटमेंट फील करवाती है। अब कुछ भी हो सकता है, फीमेल्स के लिए तो हो गया कि उनका कोई फेवरेट सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, तो वो जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करें। क्यों करें? क्योंकि उन्हें टीवी देखना है, सीरीज़ देखनी है, जिससे कि उन्हें अच्छा फील होता है। अब यहाँ पे दो तरह के मोटिवेशन की बात आ जाती है, एक है इंट्रिंसिक और दूसरा है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या हो जाएगा कि हम कोई भी अपना काम करें वो हम किस लिए करें? क्योंकि हम खुद को खुश रखना चाह रहे हैं। सो इट ड्राइविंग बाय अवर क्यूरियोसिटी, इंजॉयमेंट और अ सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट। और दूसरी तरफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या हो जाएगा कि हम एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स की वजह से या प्रेशर की वजह से कुछ भी काम करें, जैसे कि मनी हो गया, ग्रेड्स हो गए, तारीफ़ें हो गई। तारीफ़ें कब मिलेंगी? जब हम कुछ अच्छा काम करेंगे। ग्रेड्स हमें अच्छे काम मिलेंगे जब हम अच्छे से मेहनत करके पढ़ेंगे। पैसे हमें कैसे मिलेंगे? जब हम जॉब करेंगे, मेहनत करेंगे उसे कमाने के लिए। और या फिर हम पनिशमेंट को अवॉइड करना चाह रहे हैं कोई भी, इसलिए हम काम करें। तो ये एक्सट्रिंसिक हो गया, और दूसरा हमारा जो खुद की खुशी के लिए था, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए था, वो इंट्रिंसिक हो गया। लेकिन अब रियल लाइफ में क्या होता है कि जो लोग हैं ना वो इस दोनों के ही कॉम्बिनेशन पर काम करते हैं। मतलब इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक का मिला के जो एक कॉम्बिनेशन निकलता है उस पर काम करते हैं। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि कोई भी इंसान है, उसको बास्केटबॉल खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये क्या है? ये उसकी खुद की खुशी के लिए इंट्रिंसिक है। लेकिन दूसरी तरफ उसे क्या चाहिए? उसे ट्रॉफी भी चाहिए और उसको दूसरों से तारीफें भी चाहिए कि ये कितना अच्छा खेलता है, वाह भाई वाह। तो ये हो गया हमारा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। और दूसरा एग्जांपल है कि किसी को पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, किसी को लैंग्वेज सीखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और ये इंट्रिंसिक उसका मोटिवेशन हो गया। और दूसरी तरफ क्या है, उसे अपना जो लैंग्वेज टेस्ट है वो भी उसको क्लियर करना है, वो भी उसको पास करना है। क्यों? क्योंकि उसको जॉब की रिक्वायरमेंट है जो कि उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे उसको मिलने वाली है। तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन हो जाएगा। तो हमारे इन दोनों के कॉम्बिनेशन को समझना कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की कहाँ कहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, ये हमें हेल्प करती है फिगर आउट करने में, टू सेट गोल्स, स्टे मोटिवेटेड एंड फाइंड सेटिस्फेक्शन इन द थिंग्स दैट वी डू। सो अब बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन की। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इज़ अ की फैक्टर एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस इन एनी एक्ट वी परफॉर्म। सो कोई भी काम करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, चाहे वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो, गाइडेंस एंड काउंसलिंग हो, स्टोरी रीडिंग हो, या फिर कोई भी काम करना हो। जो यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन हुए हुए हैं कि किस तरीके से मोटिवेशन को डेवलप करने में ये प्रिंसिपल्स काम आ सकते हैं, तो हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहले है रेडीनेस, कि हम फिजिकली, मेंटली या इमोशनली कितने तैयार हैं कोई भी काम की शुरुआत करने के लिए। ये मोटिवेशन का एक प्रीकर्सर है। अब सपोज जैसे हमने कोई भी काम सोचा है, कोई भी हमने अपना टास्क प्लान किया है कि हमें ये काम करना है, तो हम उसके लिए कितने ज़्यादा तैयार हैं उस काम को करने के लिए, वो बहुत मायने रखता है, तभी हम उस काम को कर सकते हैं। दूसरा हो गया हमारा पॉइंट कैपिटलाइजिंग ऑन द नीड्स एंड मोटिव्स। एज अ काउंसलर इसमें बात की जा रही है कि अगर कोई काउंसली है तो हमें उसकी किस तरीके से मदद करनी है, हमें उसके नीड्स एंड मोटिव्स जानने हैं सबसे पहले, तभी हम उस पर वर्क कर सकते हैं। अदरवाइज हम उसको बिना ये चीज़ जाने कि वो आखिर खुद से क्या करना चाहता है, हम उसको नहीं कोई भी एडवाइस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है अराउजल एंड मेंटेनिंग इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट इज़ अ की एंड सेंट्रल फिगर इन द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। अगर किसी के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है किसी भी एक्टिविटी को करने का और उसको लगता ही नहीं कि वो उसमें सक्सीड हो जाएगा,
तो वो क्या है, उसका कॉन्फिडेंस पहले ही लो हो जाएगा और उसका इंटरेस्ट नहीं बनेगा उस काम को करने में. तो एवरी टास्क इज डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ हिज अराउजल एंड इंटरेस्ट इन दैट टास्क. नेक्स्ट है कैप्चरिंग एंड सस्टेनिंग अटेंशन. अटेंशन क्या हो गया, अटेंशन इज़ अ फर्स्ट स्टेप इन डिटरमाइनिंग इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट इज़ अ की टू मोटिवेशन. मतलब अगर हमें, जैसे एक टीचर की बात कर रही हूँ, अगर हमें चाहिए कि बच्चे मुझ पे अटेंशन दें, जो भी मैं टॉपिक समझा रही हूँ उसको एक अटेंटिवली सुने, तो हमें उनका इंटरेस्ट डेवलप करना होगा सबसे पहले. और इंटरेस्ट क्या है, इट इज़ अ की टू मोटिवेशन. नेक्स्ट है क्लैरिटी एंड डेफिनेटनेस ऑफ गोल एंड पर्पस. मतलब कि क्या है, कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी लर्नर है, अगर उसे पता है कि उसकी ये गोल है तो आगे चल के उसे जैसे लॉ की फील्ड में जाना है, तो वो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स में क्या करेगा या करेगी, इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देगी, जिससे क्या होगा, वो अपने गोल को इंटरेस्टिंगली हासिल कर सकती है. नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएटिंग एन ओपन एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट. मतलब कि अगर ये क्लास की ही बात कहें या अपनी खुद की ज़िंदगी की बात कहें, अपने घर की बात कहें, तो कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पे हर कोई अपने हर तरीके की बात कर सके. क्योंकि बहुत दफ़ा देखा जाता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, कितनी प्रॉब्लम्स में आके बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, जो टीनेजर्स होते हैं, अगर वही प्रॉब्लम लेकिन उतनी बड़ी नहीं होती जितनी उन्हें लग रही होती है उस एज में जाके, अगर वो प्रॉब्लम अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर चुके होते तो मे बी उनके पास एक सॉल्यूशन होता. लेकिन वो डर जाते हैं. क्यों डरते हैं, क्योंकि पेरेंट्स की साइड से उन्हें लगता है कि वो हमें डांटेंगे या कुछ भी करेंगे. तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब नेगेटिव एनवायरनमेंट कहलाएगा फिर ये. तो हमारा एनवायरनमेंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए. नेक्स्ट प्रिंसिपल है चेंज एंड वैरायटी. मतलब कि कोई भी हम डेली काम अगर कर रहे हैं तो उससे हम क्या करेंगे, बोर हो जाएंगे, हमारा इंटरेस्ट कम हो जाएगा ज़िंदगी में. तो इस वजह से हमें कुछ न्यू एक्टिविटीज़ वगैरह अडेप्ट करते रहना चाहिए जिससे कि हम ज़्यादा मोटिवेटेड फील करें. नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रोवाइडिंग प्रॉपर फीडबैक. जैसे कोच अपने एथलीट को ट्रेनिंग देता है और टाइम टू टाइम उसको एक फीडबैक भी देता है कि तुम्हें यहाँ पे थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है, और दूसरी तरफ उसको तारीफ़ें भी करता है, प्रेज भी करता है, जिसकी वजह से वो मोटिवेटेड फील करते हैं. लेकिन सही टाइम पे सही फीडबैक मिलना भी बहुत ज़रूरी है. ऐसा नहीं है कि जैसे हमारी कोई अच्छी दोस्त है, वो खाना अच्छा नहीं बनाती है, लेकिन उसका खुश करने के लिए हम कह रहे हैं अरे बहुत टेस्टी है, तो क्या होगा, उससे खाना हमेशा गड़बड़ ही बनेगा. अगर हम उसको एक पॉजिटिव वे में करेक्ट कर दें कि खाने में ये चीज़ की कमी है, इस चीज़ का ध्यान रखना, तो वो उसमें और बेटर कर सकेगी. नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइडिंग इंसेंटिव एंड रीइंफोर्समेंट. सो ये वही हो गया कि हम कोई रिवॉर्ड देते हैं किसी को काम कंप्लीट करने पर, जिसकी वजह से वो मोटिवेटेड फील करते हैं. नेक्स्ट प्रिंसिपल है रिसॉर्टिंग टू इंटरनल मोटिवेशन. इंटरनल मोटिवेशन क्या है, ये लॉन्ग लास्टिंग मोटिवेशन है. नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल है एंश्योरिंग सक्सेस. जिन लोगों को सक्सेस मिल जाती है वो प्रिडिक्टेबली ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं देन फेलियर्स. जाहिर है अगर कोई बहुत अच्छे टूर्नामेंट में गया और एक टीम फेल हो गई, एक टीम को रिवॉर्ड मिल गया, तो फेलियर टीम है वो मोटिवेटेड कैसे फील करेंगे, उनको बुरा तो लगेगा ना. तो द फियर ऑफ गेटिंग फेलियर और नॉट गेटिंग डिजायर्ड लेवल ऑफ सक्सेस कीप्स द इंडिविजुअल अवे फ्रॉम द लर्निंग सिचुएशन. अगर किसी को हार का डर है कि बस मुझे तो हार ही मिलनी है, तो वो क्या होगा, वो लर्निंग सिचुएशन से दूर रहेगा. सो इसीलिए खुद पे कॉन्फिडेंस होना और खुद पे बिलीव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हार भी जाए लेकिन हमें सीखने को तो बहुत कुछ मिल ही जाता है. नेक्स्ट है रोल मॉडल्स. रोल मॉडल्स में आ गया है कि कोई भी हमारा पॉजिटिव एक रोल मॉडल है, जो जिस एक आइडियल पर्सन है जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमें ऐसा ही बनना है बड़े होकर के, तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से हमें अपनी हैबिट्स में आ जाते हैं, अपना एटीट्यूड उसको एज अ रोल मॉडल देखते हुए वैसा ही करना स्टार्ट कर देते हैं, उस पर ज़्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं. लास्ट पॉइंट है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन. एक्सपेक्टेशन ऑफ टीचर फ्रॉम देयर स्टूडेंट्स. क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि वो अच्छा रिजल्ट लेकर आए बच्चे. पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है बच्चों से अपने, और किसी भी इंसान के अपने दोस्त से होती है और ग्रुप से होती है. तो ये सारी एक्सपेक्टेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी लाइफ में. तो रिसर्चर्स का इसमें कहना क्या है कि एक्सपेक्टेशन हैव पावरफुल इफेक्ट ऑन द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस. एज अ टीचर अगर हमारा पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है बच्चों के साथ, तो उसके एक मतलब
ज़्यादा चांसेस है कि उन बच्चों का रिजल्ट भी अच्छा आएगा। दूसरी तरफ अगर वो लो एक्सपेक्टेशन रख रही है तो उसके ज़्यादा चांसेस है कि जो बच्चे हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। सो इसलिए हमारी एक्सपेक्टेशन हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। लास्ट हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मोटिव्स की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, अराउजल थ्योरी एंड इंसेंटिव थ्योरी। और मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स पे भी इसमें बात की गई है। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी, उस पर मैंने ये डिटेल में समझा दिया था, सो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्राइव रिडक्शन थ्योरी की, विच वॉज प्रपोज्ड बाई क्लार्क हल इन 1943, जिसमें उनका कहना था कि जो हमारा अनकम्फर्टेबल जोन होता है वो हमें कुछ ना कुछ काम करने पे मजबूर करता है, जिसमें वी डू थिंग्स टू स्टॉप फीलिंग अनकम्फर्टेबल और टू सेटिस्फाई अ बेसिक नीड। और जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि अगर हमें भूख लगती है, ये क्या है, ये एक बायोलॉजिकल नीड है, और ये जो नीड है, ये जो हंगर ड्राइव है, ये हमें अनकम्फर्टेबल फील करा रही है, ठीक है। तो ये हंगर ड्राइव हो गया, और जब हमने कुछ खा लिया तो उससे हमारी भूख ख़त्म हो गई, वो क्या हो गया, ड्राइव रिडक्शन, और हम वापस से कंफर्टेबल फील करने लगते हैं। इसी तरह से हमारी दूसरी बायोलॉजिकल नीड हो गई थर्स्टी, प्यास की, अगर हमें पानी पीना है तो हम पहले जो थर्स्टी फीलिंग आएगी वो ही हमें मजबूर करेगी उठ के जाने को पानी तक, और फिर हम जब पानी पी लेंगे तो हमारी प्यास ख़त्म हो जाएगी और हमारी वापस से बॉडी बैलेंस में आ जाएगी। So the idea is that we do things to reduce feelings of discomfort like eating or to stop hunger or putting on a coat to stop feeling cold। जब हमें सर्दी लगती है तो हम स्वेटर या जैकेट ओढ़ लेते हैं। तो ये क्या है, हमारी सब कुछ बायोलॉजिकल नीड्स है। नेक्स्ट है हमारा अराउजल थ्योरी। अराउजल का मतलब क्या हो गया, स्टेट ऑफ बीइंग अवेक अलर्ट, मतलब हम एक्टिवेट रहते हैं फिजियोलॉजिकली और अलर्ट रहते हैं। अब इसमें क्या हो गया कि जब भी हम बोर फील करते हैं कि हम बोर हो रहे हैं, हमारे पास कुछ काम ही नहीं है करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम कोई फ़न एक्टिविटी में इंगेज हो जाएंगे ताकि जो हमारी जो बोरियत है वो दूर हो सके। इसको हम लो अराउजल कहते हैं। और हाई अराउजल में क्या हो जाएगा कि हम बहुत ज़्यादा अगर एंग्जियस हो रहे हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा है काम करने को, एक के बाद एक लगा पड़ा है, तो हमें क्या होता है, हमें एंग्जाइटी होने लगती है, हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, या फिर एक इतनी लाउड जगह पर हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हो और अपने आप को वहाँ से निकालना चाह रहे हो ताकि आप रिलैक्स फील कर सको, और इसको हम हाई अराउजल कहते हैं। जिसमें लाइक दैट वी आर मोटिवेटेड, ये कौन सा अराउजल थ्योरी जो हो गई, इसमें हो गया कि द पॉइंट इज़ दैट वी आर मोटिवेटेड टू कीप आर स्टिम्यूलेशन लेवल बैलेंस, हम अपने आप को बैलेंस में रखना चाहते हैं, ना कि हम खुद को ज़्यादा बोर रखना चाहते हैं और ना ही ज़्यादा स्ट्रेस रखना चाहते हैं। तो ये जो बैलेंसिंग हो गई, ये अराउजल थ्योरी हो गई। नेक्स्ट हम थ्योरी की बात करेंगे इंसेंटिव थ्योरी, जिसकी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि हम कोई भी काम क्यों करते हैं, ताकि हमें कुछ उसके बदले रिवॉर्ड मिले या फिर हम पनिशमेंट को अवॉइड कर सकें। अब जैसे एग्जांपल हो गया कि हम ज़्यादा मेहनत करके इसलिए पढ़ाई करते हैं ताकि हमारे अच्छे ग्रेड्स आ सकें, ये रिवॉर्ड हो गया। और जो अगर फेलिंग का हमें दूसरी तरफ एक डर होता है कि हम फेल ना हो जाए, तो ये क्या हो गया, अवॉइडिंग पनिशमेंट हो गया, हम पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए ज़्यादा मेहनत करें ताकि हमें रिवॉर्ड मिल सके। अब दूसरा हो गया कि हम जो काम पर डेली जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्योंकि हमें उसके बदले पैसे मिलते हैं, ये क्या हो गया, ये रिवॉर्ड हो गया, जिसकी वजह से आप वो सब खरीद सकते हो जो कि आप खुद से चाहते हो। सो विद इंसेंटिव थ्योरी द की इज़ दैट समथिंग आउटसाइड ऑफ यू लाइक अ प्राइज और प्रेज मोटिवेट्स यू टू एक्ट रेदर देन जस्ट नीडिंग टू सेटिस्फाई एन इंटरनल नीड।